कांग्रेस ने प्रसिद्ध कथावाचक सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि कथा के मंच से प्रदीप मिश्रा राजनीतिक दल का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने आयोग से प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर और चुनाव समाप्त होने तक उनकी कथाओं पर रोक लगाने की मांग की है। सीहोर कांग्रेस के पूर्व महासचिव पंकज शर्मा ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। पंकज मिश्रा ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र में लिखा है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने महाराष्ट्र के परतवाड़ा में कथा की थी, जिसके पहले दिन 6 मई को उन्होंने सीधे एक धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री और भाजपा का नाम लेकर उनके लिए वोट मांगे थे, जो कि चुनाव आयोग निर्देशों का उल्लंघन है। पूर्व महासचिव ने उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग की है। साथ ही लोकसभा चुनाव समाप्त होने तक प्रदीप मिश्रा की सभी कथाओं पर रोक लगाए जाने और उनसे धर्म का राजनीतिकरण करने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।